कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल वर्सेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपको कहूँ इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये भी एक है तो वो गलत नहीं होगा। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया, उससे सेम यही क्वेश्चन पूछा गया तो उसने किसी तरह घिसा मीठा जवाब देके एक एक पॉइंट दोनों को बता दिया, पर वो सही जवाब नहीं था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए चलो एक वीडियो बनाते हैं डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके किसी को भी मैसेज भेज रहे हो या फिर मैसेज रिसीव कर रहे हो तो वो होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका नाम ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इट रेफर्स टू फेस कम्युनिकेशन अमॉन्ग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स एक साथ कनेक्टेड होके यहाँ पे अपना काम करते हैं। तो यही लॉकडाउन में जो इतना जूम मीटिंग में उसने मीटिंग करा उसी के बदौलत उसने एक पॉइंट घिसा पीटा बोल डाला, ठीक है, नहीं तो वो शायद ना बोल पाता। सेकेंड पॉइंट क्या है, ईमेल कैन बी रिट्रीव्ड एट अ लेटर टाइम बाय द रिसिपिएंट्स टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने आपको मेल किया तो अभी आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप बाद में भी रिट्रीव कर सकते हो जब आपका मन करेगा। ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको मेल सेंड कर रहा हूँ तो आप उसी टाइम पर रिसीव कर लो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ इंस्टेंट, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट लेटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है लाइव होता है, एकदम लाइव चल रहा होता है, अगर आपको अटेंड करना है तो आपको एकदम लाइव आना होगा और करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 12 बजे से आपकी मीटिंग है, आप 1 बजे ऑनलाइन जाओ तो सोचो कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो रिकॉर्ड करो तो आपकी मर्ज़ी, वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही, एकदम प्रोफेशनल बात आपको करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो कि और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन ईमेल द सेंडर एंड रिसिपिएंट नीड नॉट बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। ईमेल के केस में सेंडर और रिसीवर दोनों को सेम टाइम में ऑनलाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम व्हाट्सएप में किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो उसमें भी ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं होती, हम जब भी ऑनलाइन होंगे वो हमें रिसीव हो जाएगा। तो मेल, मैसेंजर ये सब इसी के एग्जांपल हो जाते हैं, सब एक ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द सेंडर एंड रिसिपिएंट्स मस्ट बी ऑनलाइन एट सेम टाइम। मान लो आप किसी से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हो तो आपको भी ऑनलाइन रहना पड़ेगा, जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी ऑनलाइन रहना पड़ेगा, वो भी सेम टाइम में, तभी आप कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि इसमें ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे, इसमें सेम टाइम में ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है जूम मीटिंग। ठीक है, अभी लॉकडाउन में आपने बहुत किया होगा उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो, सारे पॉइंट्स और डाउट क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।